अच्छी बात है, गिरा दें, कौन रोका हुआ है? लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है, अल्पमत में हम आएंगे तो सरकार जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एनडीए गठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है और विपक्ष के तमाम नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द गठबंधन टूट जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकार गिर जाएगा। ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह ने साफ साफ तौर पर विपक्षी दलों को चैलेंज किया है और कहा है कि है हिम्मत तो एनडीए की सरकार को बिहार में गिराकर दिखाएं। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, जरा आप वो सुनो। यह प्रश्न आपने किया है, उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में क्या दिया है देश को। यह देश भूला नहीं है, आज भी देश को याद है। नरेंद्र मोदी ने जो देश को दिया है देश जानता है, और लगातार देश आज लगभग 2/3 बहुमत में उन्हें ला करके और प्रधानमंत्री के रूप में देश ने उनको प्रतिष्ठित किया है, तो उसके पीछे तो कारण है। उन कारणों को भी कांग्रेस को ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए। उनका कहना है कि जीएसटी से आम आदमी परेशान हो रहा लगातार। देखिए, कुछ भी नए कदम होंगे उनका विरोध कांग्रेस करेगी, जो जनहित की दृष्टि से सही है। अब वन नेशन वन टैक्स हुआ, जीएसटी कोई साधारण टैक्स नहीं है, कई प्रकार के टैक्सों को मिला करके और उससे मुक्ति लोगों को मिली है और उनको मिला करके एक टैक्स हुआ जीएसटी, उसमें उनको राहत मिली है। लोग एक नई बात थी, नए तरीके से उसकी गणना भी करनी थी, उसका हिसाब भी करना था, इसलिए लोगों को शुरुआती दिनों में परेशानी हुई थी, लेकिन जब लोग इसको जान गए तो आज सबके लिए आसान हो गया। अब तो जो व्यापारी जीएसटी जो पहले घबराते थे कैसे करेंगे, अब उनके लिए तो आज इतना आसान हो गया कि वो जीएसटी ही चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई दूसरी टैक्स की विधि हो। अब राहुल गांधी की और कांग्रेस की एक अलग परेशानी है, उस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो उनका अंदरूनी मामला है, उससे परेशान हैं लोग। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में 5-10 रुपये जो कम किया गया, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद अगर जीत मिल जाती है तो फिर से महंगाई जो है चरम पर जाएगी, कहना कि जनता को लुभाने का कार्य जो है बीजेपी चुनाव के वक्त करती है। अब उत्तर प्रदेश के बाद राहुल गांधी जैसे व्यक्ति कह सकते हैं भूकंप आ जाएगा, भूचाल होगा, धरती फट जाएगी, सारा भविष्य वही जानते हैं, तो इस प्रकार से कल क्या होगा उसकी बात क्यों करते हैं? आज जो हो रहा है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आज जो हो रहा है, कीमतें बढ़ी थी, किन कारणों से बढ़ी थी सभी जानते हैं, कीमतें घटी हैं तो सरकार के प्रयासों से घटी हैं, तो अब उनको परेशानी जो हो रही है, अब उसके लिए कोई क्या करेगा? जनता सब जानती है कि कीमतें बढ़ी कैसे थी, और जनता यह भी जानती है कि कीमतें घटी कैसे। एक आखिरी सवाल का सर जवाब दीजिए सर, एनडीए बिहार में इंटैक्ट नहीं है, कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल के नेता ये लगातार कह रहे हैं एनडीए इंटैक्ट नहीं है। हाँ, खींचातानी की स्थिति उत्पन्न है, बीजेपी जेडीयू तमाम लोगों में बन नहीं रहा है। कहाँ? बिहार में जी, और सरकार चल रही है, बन नहीं रहा है और सरकार चल रही है। उनका कहना किसी भी सरकार में एक ही नेता है, नीतीश कुमार जी नेता है, तो कैसे नहीं बन रही है? बिना बने सरकार चलती है क्या? कहना है कि किसी भी वक्त बिहार में सरकार गिर सकती है। अच्छी बात है, गिरा दें, कौन रोका हुआ है? लोकतंत्र में अधिकार मिला हुआ है, अल्पमत में हम आएंगे तो सरकार जाएगी। सरकार गिराने का अल्टीमेटम दिया है नहीं दिया हम नहीं जानते, आप लोगों से ज़्यादा बात होती है। खास सेंटर इसलिए कि हमारा पहला सेंटर है और ये हमारा पहला प्रयास भी है, और इस प्रकार का आउटलेट खोल के हम यह एक सुविधा भी ग्राहकों को प्रदान करना चाहते हैं, जहाँ से ऑर्गेनिक उत्पादन मिले उन्हें और सीधे यहाँ से ले जाएं। और यह भी बताना चाहते हैं कि हम जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो हमारे सेंटर हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे कई, तो वहाँ भी लोग आवें, उसको उसके तरफ भी आकर्षित करने का एक माध्यम बने जा, और वो
स्वयं देखें और अपनी खेती के भी उस आधार पर वो और वो करें। तो हम चाहते हैं कि बिहार राज्य केमिकल फ्री उत्पादन, कृषि उत्पादनों के और उस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाए और यह राज्य जो केमिकल फ्री, केमिकल मुक्त जो उत्पादन है, कृषि उत्पादन है, उसमें तेज़ी से आगे बढ़े, यही उद्देश्य है। कीमतों में अंतर कितना होता है? कीमतों में अंतर नहीं है, तो कीमत हम देखेंगे, जानेंगे, लेकिन कीमत में ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा फर्क तो रहेगा लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। बाजार से जो सामान्य जो उत्पादन लेते हैं लोग, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और प्रमोट करने की आगे क्या योजनाएं हैं, इसको और प्रमोट करने की आगे क्या योजना? तो ये प्रमोट करने के लिए ही तो हो रहा है ना। आखिर आउटलेट खोलने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि इसको लोग ले जाएंगे, इसका स्वाद चखेंगे लोग, इसके तरफ आकर्षित होंगे। हम जहाँ उत्पादन करते हैं वहाँ लोग जाएंगे, यहाँ से उनको मिलेगा, सारी सूचनाएं मिलेंगी, वहाँ देखेंगे कैसे होता है, फिर वो अपने ज़मीन में, अपनी मिट्टी में, अपनी खेती में करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती होती है, उसका तौर तरीके का सामान्य तरीके से किसानों के बीच विस्तार हो। तो आपने सुना अमरेंद्र प्रताप सिंह को, जो साफ तौर पर तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों पर, और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिन लोगों को लग रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं है और एनडीए गठबंधन टूट जाएगी, नीतीश सरकार गिर जाएगी, तो है हिम्मत, तो एनडीए सरकार जो बिहार में चल रही है उसे गिराकर दिखाए। खैर, लाइव स्ट्रीम्स के साथ बने रहे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, लाइव स्ट्रीम्स पटना।